हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉल फाइंडिंग गेम। आज ये मदरबोर्ड मेरे पास रिसीव हुआ है, ठीक है। मदरबोर्ड का इधर पे नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, DA0ZRLMB6D0। ओके, तो ये जो मदरबोर्ड मेरे पास रिसीव हुआ है, इधर पे मैंने एक ऑन ऑफ बटन क्रिएट कर लिया है, ठीक है, बिकॉज नो डिस्प्ले का केस है। ओके, सो बार बार ऑन ऑफ वगैरह करना पड़ सकता है, इसलिए आउट ऑफ कैमरा ये मैंने एक जम्पर वायर कनेक्ट कर लिया है पावर बटन के स्विच के साथ। हम लोग इधर पे कनेक्ट करेंगे तो बोर्ड ऑन होगा। ओके, बोर्ड ऑन हो रहा है, नो डिस्प्ले में है। और बहुत सारा रिक्वेस्ट ऐसा आता है जो नो डिस्प्ले के ऊपर वीडियो बनाओ, नो डिस्प्ले के ऊपर बहुत लोग फंस जाते हैं। और मेरे पास जो मेरे अकाउंट पे जो वीडियो वगैरह है उसमें नो पावर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो अभी ये केस में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देने के ट्राई कर रहा हूँ। वन सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ, जो मैं बता रहा था, सॉरी, कॉल आ गया है। ओके, तो नो डिस्प्ले के ऊपर बहुत लोग फंस जाते हैं, तो नो डिस्प्ले के ऊपर मैं आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट ये अच्छा खासा कुछ केस हो सकता है बिकॉज इसका कोड भी बन रहा है। ओके, मैंने इधर पे एक हीट सिंक लगा के थोड़ा सा ऑन करके देखा है, करंट स्टक हो रहा है। ओके, और यही कॉमन होता है, यही देखने को मिलता है, जो कोर बनता है और कोर नहीं बनता है और करंट एक तरफा उठ के स्टक हो जाना। तो अभी इस केस में तो कोर बन रहा है, तो इस केस को कंसीडर करके मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये पूरा एक ऐसा वीडियो होगा जो अगर कोई भी देखेगा पूरा वीडियो को, तो उनके लिए नो डिस्प्ले का केस को कैसे सॉल्व करना होता है स्टेप बाय स्टेप, उनके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं जो जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये आज का केस है। केस शुरू करने से पहले आपके साथ थोड़ा सा मैं कुछ सिचुएशन डिस्कस करना चाहता हूँ। इधर पे मैं कलकत्ता से हूँ, ये बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, तो आज मैं ये बता देता हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ। एंड कलकत्ता में राइट नाउ अक्टूबर में दुर्गा पूजा का सीज़न रहता है, तो ये एक बिग फेस्टिवल होता है हमारे बंगाली के लिए, ठीक है। तो हमारे इधर पे सब कुछ बंद होने वाला है, ठीक है, और दो तीन दिन काम वगैरह होगा, इसके बाद सब बंद हो जाएगा, ठीक है, और कोई काम नहीं होगा, डीलर वगैरह, दुकान वगैरह सब बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा होके उसके बाद फिर सब कुछ ओपन होगा। और अभी इसके वजह से इस चैनल पे अभी थोड़ा सा वीडियो वगैरह कम आएगा। ओके, और मेरा एक ट्रिप भी प्लान है, मैं अरुणाचल प्रदेश घूमने जा रहा हूँ। ओके, तो वो भी पूजा के बाद ही है, तो क्लोज टू वन महीना मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगा। ओके, बट अगर इसमें ये दो तीन दिन में अच्छा केस आ जाता है, ओके, अच्छा केस, देखो केस तो बहुत ही रिजॉल्व करते हैं डेली बेसिस पे, बट अच्छा केस जब देखने को मिलता है तब भी रिकॉर्ड करने का मन करता है। बिकॉज आपको जब मेरा चैनल छोटा था तभी आपको छोटा मोटा प्रॉब्लम भी दिखा चुका हूँ, बट अभी चैनल बड़ा हो गया है, बड़ा मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर टाइम दोगे तो उसका मुझे एक वैल्यू क्रिएट करके देना है, राइट। ये नहीं आपको बहुत सारा चीज़ दिखा के आधा घंटा से दिखा के बोलूँगा, ये बनने वाला नहीं है। हाँ, हो सकता है ये भी बनने वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग ऐसा नहीं, वो जो देख के लग रहा है बनेगा नहीं और जो देख के लग रहा है पीसीएच का फॉल्ट है, वो सब मैं काम इधर पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो अगर ये दो तीन दिन में काम आ जाएगा तो आपको मैं एक वीक के इंटरवल में वीडियो वगैरह देता रहता हूँ, तो आ जाएगा। नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करना है, एक महीने के बाद मैं इधर पे सब कुछ रीओपन हो जाएगा तो फिर से वीडियो वगैरह आना चालू हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट का क्या मतलब हुआ मैं बता देता हूँ। देखिए, आपका जो YouTube का एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, समझ लेते हैं वन मंथ वीडियो नहीं अपलोड करूँगा, तो मेरा रीच डाउन कर देगा YouTube सोचेगा भाई बंदा मर गया, अब वीडियो नहीं डालेगा, ठीक है, इसे हटाओ। तो ऐसा होता है YouTube में, ठीक है, YouTube का थोड़ा एल्गोरिदम ऐसा है, जो अगर आप नहीं डेली बेसिस के जैसे भी पैटर्न पे आप वीडियो डालते हो वो आप नहीं कर पाते हो तो आपका रीच डाउन हो जाता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखना और चैनल पे एंगेज रहना,
आपका जो प्यार है ये मेरे लिए बहुत है और इसलिए एक ये चीज़ आपसे मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप भी चाहते हो मेरा चैनल ग्रो करे, ठीक है, और इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद भाई, इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी को, तो थैंक यू। तो यही बात बोलना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पीस पे आते हैं और इस बोर्ड को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कॉल पे कॉल आ रहा है, होल्ड करो भाई, सॉरी फिर से कॉल आ गया। तो आज ये वीडियो में देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं पहले आपको इसका स्टेटस दिखा लेता हूँ, ठीक है, क्या डीसी वगैरह का रीडिंग है। तो इधर पे देख सकते हो मेरा डीसी 19.62 पे सिलेक्टेड है, ठीक है, और 2 एम्पियर के करीब। ये मेरे पास एक कनेक्टर है, ये मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डीसी जैक, और इधर से ये इंजेक्ट करता हूँ। ये डीसी जैक अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना उठाया, 18, देखो कैसा हो रहा है, ठीक है, देखो 22, 23, 18 भी गया, ठीक है, अभी 24, 25 कर रहा है, ठीक है, 24 और 25, ठीक है, ऐसा कर रहा है मदरबोर्ड। अभी इधर से मैं ट्रिगर करूँगा, इधर पे इसका लाइट है इसके बैक साइड में, ओके, इसके बैक साइड में ये इसका लाइट वगैरह है तो आपको दिखेगा। मैं इधर से ट्रिगर करता हूँ, ठीक है, और एक काम भी करता हूँ, इधर पे एक हीट सिंक लगा लेता हूँ, बिकॉज सीपीयू बहुत जल्दी हीटअप कर रहा है इस मदरबोर्ड में। तो ये मैंने लगा लिया, तो ये मेरा पावर बटन है, ये टच किया तो ये देखो ब्लू लाइट जल गया, और इधर पे देखो 627 पे पूरा स्टक हो गया, ठीक है, देख सकते हो डीसी रीडिंग बहुत क्लियरली, ओके, लाइट की वजह से ना थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखो क्लियर है, एकदम स्टक है 634-635 पे। अभी हीटअप करेगा तो थोड़ा थोड़ा करेंट लेगा, ठीक है, तो सीपीयू इस तो बन रहा है, तो करंट मैं आपको दिखा दिया, देखो अभी हीटिंग कर रहा है तो थोड़ा सोरा बढ़ रहा है, ठीक है, वो हमारा कॉन्सर्न नहीं है, वो हम लोग देखेंगे भी नहीं। अभी थोड़ा सा इसे साइड करते हैं, मेरा डीसी जैक अच्छा नहीं है। अरे भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें डीसी जैक में शॉर्ट हो रहा है, बस समझो। हाँ अभी ठीक है चलो फिर से ऑन कर लेते हैं, डीसी जैक अच्छा नहीं है मेरा, ठीक है, वही सेम स्टोरी है, इधर पे लाइट ग्लो कर गया, ठीक है, ये देखो। तो अभी चालू करते हैं इसका डायग्नोस्टिक, मैं थोड़ा सा मेरा कैमरा एंगल सही कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे, ओके अभी बंद करते हैं, पहले आपको समझा देते हैं कैसे हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग पहले जो चेक करेंगे वो है एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप वन से। कभी भी ऐसा नहीं हम लोग विन को छोड़ के 3-5 को चेक करने बैठ जाए, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ये मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, विन चेक करना है, विन चेक करने के टाइम पे क्या क्या चेक करना है, आपको जस्ट देखना है गेट वोल्टेज क्या है। गेट वोल्टेज पी चैनल होगा तो लो होगा, एन चैनल होगा तो बूस्ट मिलेगा, तो हमें अगर लो मिला तो हम आगे चले जाएंगे, बूस्ट मिला तो आगे चले जाएंगे। सेम मिल रहा है 19 वोल्ट आ रहा है, 19 ही मिल रहा है गेट पे, रुक जाएंगे उधर पे, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके आगे जाना है, ठीक है। अभी अगर सब कुछ गेट वगैरह सब कुछ हमें ओके मिल रहा है तो हम लोग आउटपुट CLR पे चेक करेंगे वोल्टेज, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका चार्जिंग IC किधर पे है। चार्जिंग IC में एक रिक्वायरमेंट हम लोग चेक करेंगे, वो है AC ओके अगर मिल जाता है IO को, तो इसका मतलब है हमारा जो विन है वो 100% ओके है, हम लोग आगे चले जाएंगे 3-5 सेक्शन स्टेप डाउन सेक्शन में। स्टेप डाउन सेक्शन को चेक करने के बाद आप, जब आपका स्टेप डाउन सेक्शन हो गया, आप RTC सेक्शन चेक करो। RTC सेक्शन चेक करने के बाद हम लोग जाएंगे PCH का SLP सिग्नल एक्टिव होने से, जो रिस्प हमारा रेगुलेटर वगैरह एक्टिवेट होता है वो सब देखने, ओके। हमारा जो RAM है, हमारा जो PCH का 1.05 वोल्ट है, हमारा जो 1.8 वोल्ट है, हमारा जो VCC AC है वो, उसके बाद कोर, उसके बाद GFX, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कॉयल हमें दिख रहा है, हम लोग जस्ट टेस्ट करेंगे कितना वोल्टेज किधर पे आ रहा है, उससे हम लोग मालूम कर लेंगे हमारा कितना, ये कौन सा पावर रेल है, बिकॉज CPU हीटअप कर रहा है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली सभी पावर रेल एक्टिवेट है, ओके। इसका मतलब PCH ने SLP सिग्नल वगैरह छोड़ा है, ओके, कंडीशन में ही ऐसा होता है। तो हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उठा ले इधर से, ठीक है। तो ये हमारा देख लेते हैं, एक सेकेंड, मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग देख सकते हो ना, बाद में पता चलेगा आउट ऑफ कैमरा हो गया। तो ये ISL का IC है, हो सकता है ये हमारा विन है, ठीक है, और इधर पे ISL का IC है, ये भी हो सकता है, ठीक है,
और ये कोड का भी सप्लाई हो सकता है। तो मुझे लगता है ये हो सकता है हमारा विन का मतलब चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे। देखो इस बोर्ड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे ना उतार लेता हूँ। ये देखो इस बोर्ड का इधर पे विन में कुछ काम हुआ है। ठीक है, शॉर्टिंग वगैरह हुआ था उस बोर्ड में। तो इस बोर्ड में देखो इधर पे पहले क्या हो रहा है, विन जो है रेड वायर जो है वो फॉलो करना है हमें। रेड वायर का फॉलो करेंगे तो पीएल मिला पावर इंडक्टर, इसके बाद ये घुसा एक डायोड में। ये डायोड है, मॉसफेट नहीं है, इसका कोई गेट वगैरह नहीं होता। ये दो कनेक्टेड होता है एक साइड से, एनोड एंड कैथोड। आउटपुट हुआ, आउटपुट मोस्ट प्रोबेबली घूम के इधर आएगा और इधर से ऐसे आउट होके इधर से आउट हो जाएगा। इसका मतलब इस बोर्ड में एक ही आपका मॉसफेट है जो स्विच करेगा। ठीक है, एक डायोड मोड में ही पास करेगा, एक स्विच करेगा। ठीक है, ऐसा लॉजिक है। ये चार्जिंग का मॉसफेट है, ये हमारा डिस्चार्ज मॉसफेट है जो बैटरी का पावर और मेन 19 वोल्ट के पावर के बीच में लगा हुआ मॉसफेट है। ठीक है, थर्ड मॉसफेट जिसे बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग चेक करेंगे इधर पे हमारा विन कैसा बन रहा है। ठीक है, तो मल्टीमीटर अब देखो, मैं डीसी 20 पे सेट करूँगा मल्टीमीटर, डीसी 20। ओके, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो मल्टीमीटर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ग्राउंड कर लेता हूँ और इधर से मेरा डीसी जैक बहुत ख़राब है। ठीक है, इसलिए मेरा गुस्सा आता है, शॉर्ट हो रहा है डीसी जैक से। ठीक है, बोर्ड ऑन मतलब डीसी ऑन है। अभी इधर पे चेक करो, ये हमारा वन सेकेंड, ये हमारा 19.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ये डायोड के अंदर गया। देखो डायोड का दो पिन में ही सेम वोल्टेज आएगा बिकॉज ये एक ही पिन है। ओके, आउटपुट हुआ, थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। देखो थोड़ा सा करा, कितना 0.2 वोल्ट ड्रॉप कर गया। ठीक है, 50 था अभी 30 हो गया, ये करेगा। इसके बाद इसका आउटपुट मोस्ट प्रोबेबली इधर आएगा, देखो 30। इसके बाद ये आउटपुट इधर जाएगा, इधर से ये सीएलआर से आउट हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे इसका गेट, ये इसका गेट हो सकता है। देखो 9 वोल्ट आ रहा है, 9 वोल्ट इक्वल टू 19 नहीं है, बूस्ट वोल्टेज भी नहीं है 25। इसका मतलब ये पी चैनल है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, 100% परफेक्ट। अभी हम लोग चले जाएंगे इसका चार्जिंग आईसी को देखने। ठीक है, तो मैं आपको स्कीमेटिक में ले जाता हूँ और देख लेता हूँ इसका चार्जिंग आईसी किधर पे है। तो आई थिंक आपको स्कीमेटिक ये विजिबल हो रहा होगा। ओके, तो हम लोग चार्जिंग आईसी को ढूंढेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मदरबोर्ड से थोड़ा सा रेफरेंस ले लूँगा, ये नंबर क्या है, ये पीयू क्या है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, पीयू दिख नहीं रहा है भाई, पीयू क्या है। ठीक है, आजू बाजू का कोई कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, पीसी 23 ले लेते हैं, उसका बाजू में लगा हुआ आपका ये है, क्या बोलते हैं उसे बताओ, आपका कैपेसिटर है। ओके, पीसी 23, सो पीसी 23, एंटर। एकदम ये हम लोग आ गए विन पे। देखो विन को अच्छे से देख लो। ठीक है, पिन इसमें नहीं होता है ना, पिन होता तो बहुत अच्छा होता। ये पिन है नहीं है भाई, ये पिन नहीं है, ये हाइलाइटर वगैरह कुछ है। एनीवे हाइलाइटर है। तो देखो ये डीसी जैक है, इधर से पहला दो आपको दिखाया मैंने, इंडक्टर कनेक्टेड था, इसके बाद एक डायोड है, ये डायोड PD5। ओके, इसके बाद आपका मॉसफेट, देखो मॉसफेट PQ ये वाला 28। अभी इसका एरो देखो, एरो कौन सी तरफ है, बाहर की तरफ। ओके, एरो अगर अंदर की तरफ होगा, गेट की तरफ, ये गेट है पिन नंबर 4, गेट की तरफ होता है, ये एन चैनल होता। अभी ये बाहर की तरफ है, ये पी चैनल है। तो हम लोग पता कर चुके हैं ये पी चैनल है, बिकॉज इधर पे हमें 9 वोल्ट मिल रहा था, परफेक्ट था। इधर से हमें आउटपुट कर दिया। ये मैंने दिखाया आपको थर्ड मॉसफेट, ये भी पी चैनल है जो बैटरी, देखो इधर पे देखो, ये बैटरी का पावर, बैटरी लगाओगे उसका पावर, ये 19 वोल्ट के पावर के बीच में लगा हुआ मॉसफेट जो मैंने बताया। ओके, और ये हमारा आईसी है आईएसएल का, वही आईसी जो बैक साइड में था 883731C। ओके, हम लोग जस्ट इसमें चेक करेंगे एसी। ओके, पिन नंबर 13 पे। ओके, अगर 13 पे भी एसी ओके मिल जाता है तो हम लोग इसे समझेंगे हमारा विन ओके है। अभी इधर पे एक चीज बता देता हूँ, एसी ओके आईसी का आउटपुट नहीं होता है, एसी ओके एक पुल अप है, देख सकते हो पुल अप। अगर आपका पुल अप खराब है, मतलब अगर आपका एलडीओ खराब है बोर्ड में, तो आपका एसी ओके नहीं जनरेट करेगा। और अगर आपका समझो आपका जो आईसी है, समझो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिला आपका विन सेक्शन में,
तो क्या करेगा, इस पावर को वो ग्राउंड पे डाल देगा। इसे बोला जाता है क्लोज ड्रेन लॉजिक। इसके अंदर में ठीक इधर पे एक मॉस्फेट कनेक्टेड है एसी ओके के लाइन पे, जो मॉस्फेट ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर जाएगा अगर आपका विन में कोई प्रॉब्लम है तो। अगर 13 में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है विन में आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपका ये जो एलडीओ है ये मिसिंग है, और हो सकता है 100K का पुलअप खराब है, ठीक है। तो हम लोग पिन नंबर 13 देखेंगे और चले जाएंगे हमारा विन को 100% ये ओके है कि नहीं, वो हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। ओके, तो मदरबोर्ड में चलते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये मदरबोर्ड में, वन सेकेंड मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अरे भाई ये बार बार शॉर्ट हो रहा है। एनीवे, तो मदरबोर्ड पे बैक साइड में मैंने जो दिखाया था भाई, ये डीसी कनेक्टर ना खराब है। एक सेकेंड, मैं एक डीसी कनेक्टर चेंज कर लेता हूँ। इससे ना बार बार इंटरनल शॉर्ट कर रहा है ये। अच्छा कोई कनेक्टर है, ये सोनी का कनेक्टर है। मदरबोर्ड सोनी का नहीं है, मदरबोर्ड किससे निकाला है मुझे भी नहीं मालूम। डीलर ने ऐसे ही पकड़ा दिया, मैंने भी ले लिया। अच्छा ये कनेक्ट हो जाएगा, नहीं कनेक्ट होगा। एक सेकेंड हाँ भाई, सो ये सोनी का एक कनेक्टर है, देख लेते हैं ये कनेक्ट होता है नहीं, ठीक है। सब साइड में रखते हैं, देख लेते हैं ये अच्छे से कनेक्ट होता है। ये भी खराब है, क्या है भाई इसमें, कुछ घुस गया क्या इसमें, शॉर्टिंग कर रहा है बार बार। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, बोर्ड भी ऑन हो रहा है। देखो शॉर्टिंग इधर पे है, ठीक है, और किधर पे भी नहीं। आप ये मत समझो आपका बोर्ड ख़राब है, ठीक है, बोर्ड परफेक्टली वर्किंग है, सेम ही कंडीशन पे है, ठीक है। तो ऑन लगा देते हैं, ठीक है। अभी ये जो आईसी है इसका पिन नंबर 13 हमें चेक करना है, जो मैंने स्कीमेटिक में ऑलरेडी आपको दिखा दिया। सो इधर पे पिन नंबर 13, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 14, ये 13। ओके, देखो 13 पे 3.3 आ रहा है, इसका मतलब विन आपका 100% ओके है। छोड़ दो, केस हो गया आपका डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जस्ट चेक करेंगे इसका आरटीसी ओके है कि नहीं। अभी आरटीसी का आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। मदरबोर्ड ऑन हो रहा है, इसका मतलब आरटीसी सही होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग आरटीसी बैटरी लगा हुआ है इसमें देख लेंगे 3.3 वोल्ट अवेलेबल है कि नहीं। 3.3 नहीं चाहिए, सॉरी 2.9 है, 100% ओके है। 2.9 से आराम से क्रिस्टल पे, जो हमारा पीसीएच के बाजू में लगा हुआ ये क्रिस्टल है, ये 32 किलोहर्ट्ज जनरेट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो हम लोग मान सकते हैं आरटीसी ओके है। अगर आपको चेक करना है तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ, क्यों मैं ये चेक करके आरटीसी ओके बता देता हूँ, ठीक है। देखो पहले ये जो पावर है ये कन्वर्ट होगा एक डायोड के मदद से, वो पास करेगा, उसके बाद वो आरटीसी वीसीसी बनेगा। वो आरटीसी वीसीसी दो रजिस्टर से गुजर के, एक आरटीसी रिजल्ट एक एसआरटीसी रिजल्ट गुजर के पीसीएच में जाएगा। जब ये दो सिग्नल मिल जाएगा, पीसीएच ने इसका 32 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल जेनरेट करना है। जेनरेट करते ही आपका पीसीएच में वो फिर से एंटर कर जाएगा 32 का, और इसके बाद वो जो आरटीसी वीसीसी का जो लाइन है वो और दो रजिस्टर पे जाता है, एक INT VRM enable है, ओके, एक इंट्रूडर है। अगर ये दोनों लाइन आपका डैमेज है तो आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आपका मदरबोर्ड स्टार्टिंग नहीं होगा। हमारा मदरबोर्ड चल रहा है, अभी हम लोग देख लेंगे 32 ओके है कि नहीं। अगर 32 ओके है, मदरबोर्ड चल रहा है, हम लोग बोल सकते हैं हमारा आरटीसी सेक्शन सही है 99%। 1% हम छोड़ देंगे, क्यों, बिकॉज ऐसा हो सकता है अगर आपका समझो जो आपका रजिस्टर वगैरह है वो पावर ट्रांसमिट तो कर रहा है बट पूरा नहीं कर रहा है, लीकेज है, तो उस केस में अलग हो जाता है। तो आप ज़रूर चारों रजिस्टर को चेक करना, क्रिस्टल पे आपका फ्रीक्वेंसी चेक करना, और डायोड ढूंढ के डायोड का आउटपुट चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो बोल देना आरटीसी ओके है। बट हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, बिकॉज वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही वीडियो मेरा लंबा हो ही जाता है, ठीक है, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करके ही आगे जाता हूँ, ऐसा नहीं आप समझ में नहीं आए कुछ भी कर दूँ, ठीक है। तो पहले मैं आरटीसी इसका चेक करूँगा, ठीक है, डीएसओ लगाना पड़ेगा इसमें। और आपको एक चीज़ भी मैं दिखाता हूँ, जो जिसके पास डीएसओ नहीं है और
वो इस नॉलेज का थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, बट वो 100% कन्फर्मेशन नहीं है, बट 50% तो आप कन्फर्म मान ही सकते हो, ठीक है। रुक जाइए, तो मैं डीसी मेरा डीएस ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डीएस ऑन कर दिया, डीएस ऑन हो रहा है। अभी एक मज़ेदार चीज़ देखो जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, वो सही भी है। ये जो हमारा आरटीसी बैटरी है, सिर्फ इसे कनेक्ट करना है, डीसी जैक को ओपन करना है। देखो डीसी जैक ओपन है। अभी मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज रेंज में रखना है। आपका दो जो पॉइंट है, जिस पॉइंट में आपका दो कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इधर पे देखो, दिख रहा है, फोकस, देखो इधर पे देखो, इधर पे देख सकते हो, ये हमारा, ये दो पॉइंट हमारा सेम कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड है, ये हमारा इनपुट और आउटपुट है। इनपुट आउटपुट में दो आपका कैपेसिटर लगा होगा, बीच में एक 10 मेगा का रजिस्टर लगा होगा। इस रजिस्टर का अगर दोनों इन पे हमें थोड़ा सा वोल्टेज देखने को मिलता है, तो 100% नहीं, 50% हम मान सकते हो आपका आरटीसी काम कर रहा है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अभी आप देखो, देखो ये मल्टीमीटर मेरा, ठीक है, ये मैंने ग्राउंड कर दिया, और रजिस्टर का एक साइड में हमें मिल रहा है 0.32 और एक साइड में हमें मिल रहा है 0.72। ओके ओके, थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबली कनेक्शन में दिक्कत हो रहा है। इसमें 32, ओके, इसमें 34 मिल रहा है, हाँ डिफरेंस रहेगा ज़रूर, इसमें 32 मिल रहा है। ओके, तो ये जिसके पास DSO नहीं है, वो ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, और जिसके पास DSO है, वो अब DSO से चेक करेंगे, ठीक है, इधर पे हमारा फ्रीक्वेंसी बना कि नहीं, तो विदाउट कनेक्टिंग द पावर, ओके, ओनली RTC बैटरी से। तो मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, आपको ये क्रिस्टल दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। इधर पे हम लोग थोड़ा सा लो कर लेंगे वोल्टेज, ये 50 मिली वोल्ट इनफ है, और ये 10x पे सेट करेंगे, 10x, ओके, और ग्राउंड कर दिया मैंने, अभी इधर पे लगा लेते हैं, ठीक है, ये आ रहा है, इसे थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, गुड, परफेक्टली 32 आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट है, इनपुट थोड़ा सा अलग दिखता है, ये इनपुट है, ठीक है, 100% ओके है, हमारा RTC ओके है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, स्टेप जंप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग स्टेप जंप कर देते हैं, भाई इसे चेक नहीं करेंगे, हाँ हाँ सही होगा, मदरबोर्ड चल रहा है तो हाँ सही ही होगा, बट आप 100% नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आप लोग फंस जाते हो। फंसना नहीं है, इसलिए आपको सब कुछ चेक करना है। अभी क्या है, अभी हम लोग स्टेप डाउन सेक्शन चेक करेंगे, ओके। तो मदरबोर्ड अभी थोड़ा सा आपको ऊपर ले लेता हूँ, जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे जाए, ठीक है, दिख रहा है, आई थिंक नहीं दिख रहा है भाई, अच्छे से थोड़ा सा और भी ऊपर चले जाओ, अभी 100% दिखेगा, ठीक है, सब कुछ। चलो अभी मैं मेरा DC ऑन कर लेता हूँ, और इधर पे कनेक्ट भी कर देता हूँ, ये अंदर में ना शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, चलो हो गया। अभी इसका कनेक्ट नहीं हुआ DC, हाँ 31 उठाने लगा। अभी हम लोग चेक करेंगे इसका 3-5, ओके, मैंने बोला विन ओके है, RTC ओके है, तो हमारा अभी काम है 3-5 ओके है कि नहीं चेक करना। ये छोटा दो कॉयल है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें मिलेगा, इसका जो कैपेसिटर है इसमें हम लोग चेक करेंगे। देखो 5 वोल्ट मिल रहा है, ओके, परफेक्ट, स्टेबल, 5.11 स्टेबल है, और ये 3 है, एग्जैक्टली 3.36 स्टेबल है, एक पॉइंट भी हिल नहीं रहा है, तो स्टेबल है, तो 3-5 भी ओके है, ठीक है। हमारा पावर बटन में वोल्टेज है, ये पावर बटन से जुड़ा हुआ है, तो इधर पे अगर मैं चेक करूँगा, इधर पे भी 3.3 है, इसका मतलब LDO ओके है, 3-5 सेक्शन एक्टिवेटेड है, इसलिए हमारा 25-27 एम्पियर जो पॉइंट 25-27 एम्पियर ले रहा है वो सही है। अभी हम लोग ट्रिगर करेंगे, हीट सिंक बैठा लेते हैं, ट्रिगर करेंगे और देखेंगे हमारा कौन सा कॉयल में वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। चलो तो मैं ग्राउंड कर लेता हूँ, आप इधर पे फोकस रखना, इधर पे ग्रीन ब्लू लाइट जल जाएगा, ठीक है, ये कनेक्ट किया, ये ब्लू लाइट है, दिख रहा है कैमरा में, 100% दिख रहा है, 600 क्या हो रहा है, 627 पे स्टक है। अभी हम लोग 3-5 चेक कर चुके हैं, 3
5 हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। इसके बाद ये क्या है, हम लोग जस्ट पावर को मेजरमेंट करेंगे। 1.5 है रैम का वोल्टेज, ये क्या है, ये हमारा 1.05 है पीसीएच का वोल्टेज, ये क्या है 1.8 है पीएलएल सीपीयू का पीएलएल सप्लाई सही है, ये क्या है 0.91 वीसीसी एसए सही है, इसके बाद ये क्या है कोर है 1.16 सही है, इसके बाद ये क्या कोर है 1.16 इसका मतलब दो फेज है कोर का, ये क्या है नो वोल्टेज इसका मतलब जीएफएक्स। ओके तो आपका पसंदीदा केस आपको मिल गया राइट। आपका क्या पसंदीदा केस है, जब भाई सब सभी टाइम मुझे मैसेज आता है दादा ये वोल्टेज बन रहा है और आपका जीएफएक्स नहीं बन रहा है, ठीक है बार बार एक ही मैसेज जीएफएक्स नहीं बन रहा है, तो ये केस वो हो गया ठीक है जीएफएक्स नहीं बन रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे जीएफएक्स क्यों नहीं बनता है। जीएफएक्स ना बनने के पीछे दो चार कारण है ठीक है, तो मैं ऐसा कारण को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ऑब्वियस है ठीक है। आपका कोर सेक्शन छेड़ा गया है तो जीएफएक्स उससे बंद हो सकता है ठीक है, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। अगर बायोस आपने किसी ने छेड़ दिया है तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है जीएफएक्स का। अगर आपका बायोस ओके है बिकॉज इस बोर्ड में बायोस इधर पे है किसी ने टच भी नहीं किया ठीक है फ्रेश, तो इधर पे हम लोग नहीं बता सकते बायोस का प्रॉब्लम हो सकता है। बताएंगे अगर हमें कुछ पॉसिबल फॉल्ट नहीं मिला तो हम लोग बायोस करके देखेंगे। पहले ही बायोस में घुस जाना ना ये मुझे अच्छा नहीं लगता है ठीक है। सभी टाइम बायोस कर लो। अरे भाई बायोस सभी टाइम कोरप्ट नहीं होता है, नया जनरेशन में आप बोल सकते हो कोरप्ट होता है, ओल्डर जनरेशन में कभी नहीं होता है ठीक है। इतना जल्दी कभी बायोस ख़राब नहीं होता है अगर किसी ने छेड़ा नहीं है ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है आपका सीपीयू ख़राब होना। मेरा सीपीयू टेस्टेड होके सीपीयू है, सीपीयू ख़राब नहीं है। दूसरा होता है आपका रैम स्लॉट ख़राब होना। तीसरा होता है रैम का कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग हो जाना। ओके इस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। और चौथा है आपका पीसीएच भी ख़राब हो सकता है। पीसीएच का अगर डीएमआई एरिया जो पीसीएच के साथ प्रोसेसर के साथ मिला के आपका ग्राफिक्स बना सकता है, डीएमआई जो एरिया होता है उसमें कोई पावर का रिक्वायरमेंट ख़राब है और उसमें आपका पीसीएच ख़राब है तो आपका जीएफएक्स नहीं बन सकता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये हमारा टेस्टर है, ये DDR3 के लिए है। ओके तो एक बंदे ने क्वेश्चन किया था भाई DDR3 एंड 3L में एक ही लगेगा, यस एक ही लगेगा, कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो इधर पे मैं एक बैटरी लगा लेता हूँ ठीक है, सीमोस 2.79, इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। एक सेकंड, इधर पे अच्छा बैटरी ज़रूर होगा, 2.9 है ठीक है, ये चल जाएगा। तो मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ और इधर पे एक स्लॉट पे जस्ट कनेक्ट करके देख लेता हूँ। अरे बाप रे ये कितना टाइट है, हाँ ये लग गया। ओके लग गया, लगने के बाद कोई भी मिसिंग नहीं है, आप देख सकते हो ठीक है। ये देखो कोई मिसिंग नहीं है इधर पे, कोई मिसिंग है, जो ज़्यादा जल रहा है वो ज़्यादा ही जलेगा ठीक है, कोई मिसिंग नहीं है। इसका मतलब स्लॉट 100% ओके है आपका, तो फिर किधर पे दिक्कत है ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देख लेंगे। देखो अगर आपका मदरबोर्ड स्टक हो रहा है एक हाई एम्पियर कंजम्पशन पे, तो आपका एक चीज़ आपको ज़रूर देखना है वो है PLT रिसेट बन रहा है कि नहीं। अगर PLT रिसेट नहीं बन रहा है तो रैम स्लॉट का दिक्कत नहीं है, वो आगे कुछ दिक्कत हो सकता है। अगर PLT रिसेट सही है तो आप रैम स्लॉट का रिक्वायरमेंट चेक करो और रैम स्लॉट का जो भी इंपॉर्टेंट पिंस है ऐसा टेस्टर से चेक करो, रैम चेंज करके देखो, सीपीयू चेंज करके देखो, बट पहले आपका PLT रिसेट जेनरेट करना ज़रूरी है। बिकॉज जब तक PLT रिसेट नहीं जेनरेट करेगा तब तक जो सीपीयू है वो रिसेट पोजिशन पर नहीं जाएगा, तब तक DRAM रिसेट नहीं बनेगा, तब तक आपका GPU का कोड नहीं बनेगा, बोर्ड नहीं आगे बढ़ेगा। तो हम लोग देख लेंगे इसका PLT रिसेट हम लोग किधर पे चेक कर सकते हैं। PLT रिसेट चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके तो मैं स्कीमेटिक पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ PLT रिसेट किधर पे चेक करना है। तो आई होप आपको स्कीमेटिक विजिबल है। अभी हमें PLT सर्च करना है, तो इसमें जस्ट हमें लिखना है PLT। ओके तो ये PLT सर्च किया तो एक एंड गेट आ गया, ऐसा ही होता है, ये नहीं है और ये ही है, नहीं ये है। ओके
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो इधर पे सिस्टम पावर ओके है, इधर पे पीएम डीरैम पावर गुड है, और इधर से अरे यार सब कुछ ही हाईलाइट कर देता, इधर से जो है ये फाइनल जो आउटपुट है ये निकाल रहा है डीरैम का पावर गुड, ओके ये निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे पीएलटी रिसेट बन रहा है कि नहीं, अगर पीएलटी नहीं बनता है तो हम लोग बैक में जितना भी ऐसा एंड गेट वाला लॉजिक होता है उस सबको हम लोग ढूंढ ढूंढ के चेक करेंगे, ठीक है, अगर पीएलटी मिसिंग है तो, अगर नहीं है तो हम लोग पीछे जाके क्या करेंगे, ठीक है। आपको स्मार्ट होना है, बिकॉज एक ही चीज के ऊपर आप लगे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा ना, बहुत सारा मदरबोर्ड आपको भी रिपेयर करना होता है, मेरे को भी रिपेयर करना होता है। तो हमें U14 ढूंढना है जिसमें VCC हमें 5 नंबर पिन पे चेक करना है, इन पे PLT रिसेट इन 2 नंबर पिन पे आ रहा है कि नहीं देखना है, और CPU PLT रिसेट बाहर जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, मैं बहुत टाइम बहुत लोगों को बोलता हूँ भाई देखा है PLT रिसेट, बोल देते हैं हाँ देखा है, मैं बोलता हूँ PLT बफर रिसेट देखा है, बोलता है वो क्या होता है, वो होता है ये CPU PLT रिसेट, जिसे PLT बफर रिसेट भी बोला जाता है, बफर रिसेट भी बोला जाता है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये PLT रिसेट को कन्वर्ट करता है CPU रिसेट में, जो फाइनली CPU को रिसेट करता है, और DRAM जो आपका रिसेट है उसे CPU जेनरेट करता है, ठीक है, CPU उससे एक्टिवेट करता है, ये समझ लेना है। तो जब तक ये नहीं बनेगा तब तक DRAM रिसेट नहीं बनेगा। तो हम लोग देख लेंगे पिन नंबर 4 में हमारा प्रेजेंट है कि नहीं 14 U14 का PLT रिसेट, अगर ये ओके है तो हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। तो मदरबोर्ड में चलते हैं और चेक कर लेते हैं। तो आपने देख लिया 14 नंबर पिन पे हमारा क्या है PLT रिसेट, 14 नंबर पिन नहीं U14 पे PLT रिसेट है। अभी ये प्रॉब्लम है, इधर इसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं छोटा मोटा एक आपको दिखा देते हैं कैसे देखने में होता है ये IC, ठीक है, बिकॉज ये बहुत टाइम अगर आपको पता रहेगा तो आप जल्दी जल्दी ढूंढ पाओगे। देखो ये होता है IC का लॉजिक, ये जो देखने को मिलता है इधर पे 3 इधर पे 2 ये आपका एंड गेट है, ठीक है, 99% टाइम। तो हम लोग देखेंगे U14 कैसा दिखने में है, ऐसा है क्या, U14 देख लेते हैं, ठीक है। ये U22 है, इधर पे एक लगा है U14 100%। देखो CPU के बाजू में देखना है, CPU के पीछे देखना है, ठीक है, ये CPU का सप्लाई है ना, तो कंपनी दूर नहीं लगाएगा। देखो U14 दिख रहा है सेम, मैंने जितना बताया 3 2, तो पॉइंट आपका देख लेना है किधर से स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट है, तो 1 2 3 ये फ़ोन नंबर पे हमारा 3.3 अवेलेबल है कि नहीं हमें चेक कर लेना, अगर अवेलेबल है तो हम लोग आगे जाएंगे रैम स्लॉट के ऊपर, ओके चलते हैं। तो चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी इधर पे ट्रिगरिंग के बाद हमारा PLT रिसेट बन रहा है कि नहीं, ठीक है, CPU PLT, मतलब PLT बनेगा उसके बाद CPU PLT बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ PLT बनने से काम होगा, CPU PLT बनना चाहिए, ओके। तो ये मैंने ऑन किया मदरबोर्ड, ऑन नहीं हुआ, ये मदरबोर्ड ऑन किया इधर पे ब्लू लाइट जल गया, देख सकते हो, मैंने CPU पे हीट सिंक नहीं लगाया, हीट सिंक लगा देते नहीं CPU ख़राब हो जाएगा। अभी इधर पे मुझे चेक करना है PLT CPU रिसेट पिन नंबर 4, डायरेक्ट 4 पे मैं चेक करूँगा, ओके पिन नंबर 4 पे 1.05 वोल्ट प्रेजेंट है, सही है। अभी ये थोड़ा सा लॉजिक मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत लोग समझेगा इधर पे 3.3 होगा, नहीं होगा, 2 पे 3.3 होगा, ओके इधर पे भी लो है क्या, क्या हुआ भाई, ज़्यादा करंट खींचना शुरू कर दिया मदरबोर्ड ने, 1 सेकेंड मैं फिर से एक बार करंट कनेक्ट करता हूँ, 570 सही तो है। PLT रिसेट मुझे लगता है थोड़ा लो बन रहा है, अरे फिर से ये हाई एम्पियर पे चला जा रहा है, क्यों इधर पे टच करने से ही हाई एम्पियर जा रहा है, ओके फिर से एक बार देख लेते, ओके ठीक है सही है सही है, PLT रिसेट थोड़ा सा मुझे लो लग रहा है, ठीक है, बट आउटपुट इसका सही है। पिन नंबर 2 कितना आया, देखो 2.67 ये सही है और गलत है इसे थोड़ा सा हमें मालूम करना है, ठीक है। और पिन नंबर जो 4 है इसमें 1.05 ये सही है, बिकॉज ये पुल अप वगैरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो पुल अप अगर लो होगा तो आउटपुट भी लो बनेगा, तो ये मुझे थोड़ा सा देखना है, ठीक है, चलो स्कीमेटिक पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके।
तो ये स्कीमेटिक पे हमें दिख रहा है पीएलटी रिसेट। ये पीएलटी रिसेट को थोड़ा सा कॉपी करके देखते हैं ये किधर जाता है। ठीक है, इसका क्यू 2.6 बन रहा है, इससे क्या हम सही मानेंगे और गलत मानेंगे? ठीक है, ये थोड़ा सा पहले हमें चेक कर लेना है। ओके, देखो सीपीयू पीएलटी रिसेट जो है, मैंने जो बताया इधर पे देखो, ये सीपीयू पीएलटी है जो पिन नंबर 4 से आउटपुट है। बहुत लोगों को ये लगता है ये भी 3.3 होगा, मैंने बोला नहीं, इधर पे क्या होता है पुल अप होता है। देखो नेक्स्ट क्लिक करते ही ये सीपीयू को रिसेट पोजीशन पे कनेक्ट है, ये सीपीयू है हमारा। ठीक है, इसका रिसेट हैश पे कनेक्टेड है सीपीयू पीएलटी रिसेट, एंड इसका जो पुल अप है ये 0.1.05 VTT से पुल अप है, तो सही है ना, 100% सही है। बट हमारा पीएलटी रिसेट क्यों लो है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पीएलटी रिसेट भी जेनरेट कौन कर रहा है, पीसीएच जेनरेट करेगा और आईओ जेनरेट करेगा, पीसीएच से आईओ में जाएगा। ठीक है, ये पीसीएच हो सकते है यू, ये पीसीएच है नहीं है, वन सेकेंड मैं देख लेता हूँ, नहीं भाई ये तो हमारा आयो है, राइट यस ये आयो है, तो आयो पे तो जाएगा ही पीएलटी रिसेट, इधर से लो नहीं हो सकता है, और किधर पे जा रहा है देख लेते हैं। पीसीआई रिसेट, ये तो पीएलटी रिसेट को पीसीआई रिसेट में कन्वर्ट करेगा, ये एक है, देखो इधर पे, देखो इधर पे आपका इधर पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। पीसीआई पीएलटी रिसेट इधर पे है और इधर से पीएलटी रिसेट आउटपुट है। ओके, इसका मतलब पीसीआई हमें ढूंढना है U3, U3 का पिन 2 और 1 में हमें देखना है कितना वोल्टेज है और हमारा 4 में कितना वोल्टेज है। एंड गेट का लॉजिक होता है, अगर आपका 1 एंड 2 हाई है तो 4 भी हाई होगा, हाई कितना होगा 3.3 के अकॉर्डिंग, जितना आपका VCC है उतना। बट इधर पे देखो 100 किलो का एक लगाया गया है ग्राउंड के साथ पुल डाउन, तो अभी क्या होगा इधर पे वोल्टेज डिवीजन हो जाएगा। ओके, मेरे पास पेन होता तो आपको बहुत अच्छे से समझा पाता, ये पेंसिल मिल गया, मजा आ गया भाई, अभी तो मैं पूरा पूरा इधर पे इंजीनियरिंग डाल दूंगा। देखो अभी मजा देखो, एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल, इसमें अगर 1 1 आएगा तो 1 होगा, 0 1 होगा तो 0 होगा, इसमें अगर 1 0 होगा तो भी 0 होगा, इसमें अगर 0 0 होगा तो भी 0 होगा। ये क्या है, ये आउटपुट है वाई, ये क्या है ए एंड बी है, इसका मतलब इनपुट दोनों पिन पे, ये ए है ये बी है, ये दोनों पे अगर हाई आया, 1 मतलब क्या हाई, तो आउटपुट हाई होगा, हाई कितना होगा VCC के अकॉर्डिंग 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट इधर पे आया, ये तो 3 नहीं होता हमारे केस में, 3.3 होता है, तो 3.3 बिकॉज ये S5 है कॉइल में जो बनता है। ठीक है, 3.35 है, 3.35 को आपको डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, आप इधर पे पुल डाउन कनेक्ट कर चुके हो। अगर आप एक लोड, ये क्या हो रहा है आप देखो, ये एक लाइन पे आपका एक VCC का लाइन है, समझो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ओके, इधर पे आपका पीएलटी रिसेट खड़ा है। ठीक है, ये पीएलटी रिसेट इधर पे खड़ा है, आप क्या करो इधर पे एक रेजिस्टेंस लगा दो 100K का और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दो, बिकॉज ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, ये 100K है, तो क्या होगा वोल्टेज थोड़ा सा डिविजन हो जाएगा, इधर पे करेंट ऐसे इधर पे एक जाएगा, ऐसे इधर पे एक जाएगा, डिविजन होगा करेंट का, करेंट डिविजन की वजह से इधर पे वोल्टेज, मैं थोड़ा सा मिटा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक करेंट, अरे यार माउस से करना बहुत डिफिकल्ट है, इधर से करंट जाएगा और इस लोड के साथ एक करंट जाएगा, तो इधर पे क्या होगा वोल्टेज डिविजन हो जाएगा, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो हमें मिल रहा है 2.6, तो हम लोग इसे ओके मानेंगे। समझ गए, मैं भी नहीं जानता था इधर पे क्या होता है। ठीक है, हम लोग स्कीमेटिक देख लेंगे भाई और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पीएलटी रिसेट 2.6 ओके है, आउटपुट में जो मिल रहा है सीपीयू पीएलटी रिसेट वो भी सही है, बिकॉज वो पुल अप से कनेक्टेड है ना, वो भी सही है। मैं पोजीशन पे ले चलता हूँ आपको, ये सब कुछ को रिसेट करने में जाएगा ऑब्वियसली, तो बैक जाते हैं। ठीक है, जल्दी मिलेगा, चलो यस ये पॉइंट, तो हमारा सीपीयू पीएलटी रिसेट भी ओके है, पीएलटी रिसेट भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या चेक करना है, अभी चेक करना है भाई हमारा पीएलटी रिसेट बन गया है, अभी डीरैम रिसेट क्या बना है, अभी इस पोजीशन पे डीरैम रिसेट चेक करना है पिन नंबर 30 पे,
चेक कर लेते हैं, अगर डीरेस रिसेट बनता है नहीं बनता उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आगे क्या करना है, ठीक है। चलो तो स्कीमेटिक में जाते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके गुड, ये हम लोग मदरबोर्ड पे आ गए, अभी इसका पीएलटी का समझ गए क्या हो रहा था, परफेक्ट है, सही है। अभी हम लोग चेक करेंगे हमारा डीरेम रिसेट क्या बन रहा है। कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 30 को ढूंढ लेते हैं पहले, उसके बाद बोर्ड ट्रिगर करेंगे, ठीक है। ओके पिन नंबर 30 राइट, सो ये 1 है 2, ये वन सेकेंड ये क्या है, ये 10 किधर से काउंट होगा भाई, थोड़ा सा तो मैं ही कंफ्यूज हो गया। 1 2 3 4 ये 5, ओके ये 5, उसके बाद ये 10, ओके ये 20, ये 30, ये पॉइंट पे पीएलटी रीसेट, सॉरी डीरैम रीसेट। ओके चलो मिल गया, तो बोर्ड ट्रिगर करते हैं और देखते हैं। ट्रिगर किया, बन गया। क्या बोला मैंने, मैंने बोला अगर आपका पीएलटी रीसेट आपका रीसेट परफॉर्म करेगा सीपीयू का तो ही सीपीयू डीरैम रीसेट जनरेट करता है। तो ये जो है ये कैसा दिखने में होता है, ये एक पुल अप होता है जो वीसीसी के लाइन से खींचा गया होता है, 470 ओम का एक रेजिस्टर लगा होता है पुल अप का, और उसके बाद उसे रद्द दिया जाता है पिन नंबर 30 में, और वो जो लाइन है वो सीपीयू से कनेक्टेड है। अगर सीपीयू को रीसेट मिला है तो वो लाइन ओपन ड्रेन लॉजिक हो जाता है, अगर नहीं मिला है तो वो क्लोज ड्रेन लॉजिक में चला जाता है। अभी हमें क्या मिला, डीरैम रीसेट भी हो रहा है, तो इस कंडीशन पे अभी क्या करना है। अगर डीरैम रीसेट नहीं मिलता तो हम लोग सीपीयू का रिक्वायरमेंट को चेक करने बैठ जाते, बट इधर पे डीरैम रीसेट बन रहा है। सीपीयू का रिक्वायरमेंट में क्या आता है, आपका डीरैम पावर गुड आता है, पीएलटी रीसेट आता है, पीएलटी बफर रीसेट आता है, ठीक है, ये सब चेक करना पड़ता है अगर आपका सीपीयू में डीरैम रीसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं रुक जाऊँ, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास वो है तो। ओके वन सेकेंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक टाइम पे लिखा था, देखो ठीक है, मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेता हूँ, देखो दिख रहा है। देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था डीरैम रीसेट। डीरैम रीसेट का दोनों ही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, एक है पीएम डीरैम पावर गुड, इसका मतलब डीरैम का पावर गुड, दूसरा है सीपीयू बफर रीसेट जो मैंने बोला पीएलटी रीसेट से बनता है, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल कर दोगे तो डीरैम रीसेट बन जाता है, ठीक है, अगर सीपीयू सही है तो। ओके सो अभी ये हो गया, अभी हमें चेक करना है रैम रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज मुझे लगता है इसका रैम रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज पूरा मदरबोर्ड को स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग ये बता सकते हैं हमारा वीन ओके है, आरटीसी ओके है, सभी पावर सप्लाई बन चुका है, एसएलपी का सिग्नल बन चुका है, हमारा कोर में पावर गुड वगैरह आ चुका है, इसका मतलब इधर से जो 25 का क्रिस्टल है वो एक्टिवेट है, उसके बाद वो हमारा PCH को मिला, वो PCH ने सब कुछ रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारा पीएलटी रीसेट को जनरेट किया, पीएलटी रीसेट बफर रीसेट को जनरेट किया, बफर रीसेट डीरैम रीसेट को जनरेट किया, सब कुछ करने के बाद अभी आ जाता है रैम पे, हम लोग चेक करेंगे रैम का रिक्वायरमेंट्स, रैम का इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस अगर मिसिंग है तो ही प्रॉब्लम आ जाएगा, तो भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ऐसा ही दिखने को मिलेगा, आपका जीपीयू नहीं बनेगा। इस केस में क्या हो रहा, हो गया, इस केस में हुआ कोर बन रहा है जीपीयू बन नहीं रहा है और डीरैम रीसेट प्रेजेंट है। हम लोग अभी चेक करेंगे रैम रिक्वायरमेंट, तो मेरे पास एक नोट है मैं निकाल लेता हूँ, आपको मैं कंप्यूटर पे ले जाता हूँ और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये मेरा ही बनाया गया एक चीज़ है जिसमें एक गलती भी है गलती नहीं करूँगा तो इंसान कैसे होगा, राइट। ये मेरा ही बनाया गया है, देख सकते हो, लैपटॉप का लिए है सिर्फ DDR2-3-3L-4। 4 में क्या प्रॉब्लम मैंने पाया, ये मैंने क्या कर दिया, जो ये है क्या बोलते हैं SDA and SCL है, SCL का जो लाइन है वो 253 पे जाता है, SDA का लाइन 254 पे जाता है, मैंने क्या लिख दिया 25, 4 बाद में ऐड कर दिया एडिट करके, ठीक है, ये याद रखना है, गलती नहीं करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया है, और एक काम कर दूंगा, ये PDF मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा जिससे आप इसे डाउनलोड करके खुद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा मेरा बनाया गया खुद का है डेटा,
तो इधर पे हम लोग DDR33L पे चले आते हैं, पेंसिल ले लेते हैं क्या क्या हमें चेक करना है, ठीक है। पेंसिल लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। VDD Q हमारा स्लॉट पे है कि नहीं वो चेक करना है, 1.5 वोल्ट 75 नंबर पिन, एक पिन में चेक कर लोगे तो ही हो जाएगा। ये जो क्या बोलते हैं बताओ SIO का जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपका रेफरेंस DQ, ये VREF DQ का डेटा है। 1 नंबर पिन, रेफरेंस वोल्टेज, मैंने देखो इधर पे 2 वोल्टेज को लिखा है, एक है 0.75 वोल्ट अगर DDR3 है, 3L है तो हो जाएगा वो मेन वोल्टेज हो जाएगा 35 और इसका हाफ हो जाएगा 0.67। ओके, ये अंडरस्टैंड करना है। रैश, कैश, राइट एनेबल, ये तीनों पे हमें वोल्टेज चेक करना है 1.5 वोल्ट। इधर पे VTT चेक करना है 203-204 पे, SPD VTT चेक करना है 119 पे, VSS चेक करना है 116 पे। VSS मतलब ग्राउंड होता है, ठीक है। रेफरेंस CA ये हो गया हमारा 126 पे। SDA SCL चेक करना है, मैंने इधर पे देखो DSO लिखा है, बिकॉज ये सिर्फ वोल्टेज चेक करने से नहीं होगा, इधर पे चेक करना होता है इधर पे आपका डेटा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद DRAM से पिन नंबर 30 पे, तो हम लोग एक बार वन बाई वन चेक करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देता हूँ, ये जो VREF DQ है और इधर पे VREF CA है, ये इसके ना इधर पे एक हाई ऐसा होगा, ठीक है, ये अंडरस्कोर होगा। तो DQ एंड CA, इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये दोनों वोल्टेज में से कोई भी वोल्टेज मिसिंग है तो आपको क्या होता है मालूम है, आपका जो CPU है वो RAM के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। ये वोल्टेज आएगा तो DQ एंड CA का डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हम लोग एक वन बाई वन चेक करेंगे जैसा है। पहले हम लोग चेक करेंगे VCC है कि नहीं स्लॉट में, बिकॉज कॉयल में चेक कर चुके हैं, स्लॉट में मिसिंग हो सकता है। ओके, तो हम लोग 75 नंबर पे चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लाइन बाय लाइन, वन बाय वन, कोई भी मिसिंग होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, और भी इंफॉर्मेशन देना है आपको, ठीक है, रुक जाओ, पेंसिल। देखो ये हमारा कॉयल वोल्टेज है, ये हमारा कॉयल से डिवाइडेड होगा। ओके, कॉयल से दो सेम रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, 1K 10K 1K ही होता है, 10K नहीं होता, 10K से करंट कम हो जाएगा। 1K का दो रेजिस्टेंस होगा, कैसा, ऐसा रेजिस्टेंस एक, दूसरा रेजिस्टेंस एक, इस पॉइंट से DQ और CA का डेटा होगा, ये 1.5 से पुल अप होगा। ओके, हाफ हो जाएगा ना इधर पे, 0.75 हो जाएगा। सो ऐसे बनाया जाता है ये सर्किट। सो ये कोई ऐसा नहीं है आप बना नहीं सकते हो, इसे बना के डाल दो। VTT जो है, ओके, ये भी सेम पोजिशन ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। और समटाइम ये IC भी जेनरेट करता है, ये आपको देख लेना है। SPD VDD 3.3 जो लाइन है, ये अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो ये जस्ट एक 3.3 लाइन पुल अप किया होगा 3.3 के रन सप्लाई से, जो VS सप्लाई होता है, ठीक है, गुड। उसके बाद ग्राउंड छोड़ो, उसके बाद ये भी सेम तरीके से बनता है जैसे मैंने बताया DQ बनेगा। SDA ये भी आपका 3.3 पुल अप होता है, SCL पुल अप होता है, DRAM रीसेट भी पुल अप होता है, बट DRAM रीसेट का पूरा जो खेल है वो CPU के हाथ में है, ठीक है, अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा। तो मैं अंडू कर देता हूँ इसे, ठीक है, अंडू, बिकॉज नहीं तो मेरा अच्छा खासा बनाया गया PDF खराब हो जाएगा। तो मैं अभी आपको मदरबोर्ड में ले चलता हूँ और पिन बाई पिन चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या क्या अवेलेबल है। चलो, तो अभी हम लोग, अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूँ क्यों मैंने VS सप्लाईज को चेक नहीं किया, मदरबोर्ड में VS सप्लाईज क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज इसके वजह से भी बहुत नोटिस पे होता है। अच्छा, किधर पे है भाई, भाई लोग आप किधर पे हो बता दो, दिखा दो, नहीं दिख रहा है भाई, अरे यार छुपा दिया क्या कंपनी ने, ये एक है ये फ़ैन के लिए है, बट बाकी किधर है भाई, छुपा दिया कंपनी ने। ये देखो ये VS है, देख सकते हैं, ये अकेला मॉस्फेट जो बेचारा खड़ा है आपका अकेला, ये बहुत ज़िम्मेदार होता है आपका पावर को रुकाने में। ये VS सप्लाईज अगर मिसिंग होगा, ऐसे 3-4 मॉस्फेट लगा होगा जो ट्रांसफ़र करेगा पावर इधर से उधर, ये अगर मिसिंग हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको,
आपको मिलेगा ट्रिपिंग, आपको मिलेगा कोर नहीं बन रहा, आपको मिलेगा लो एम्पियर कंजम्पशन। हमारा केस में कोर तक बन गया, सब कुछ ओके है, हाई कंजम्पशन है, सीपीयू दीदार से हीट कर रहा है। इस कंडीशन में हम लोग वी एस सप्लाई चेक करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। और ढूंढते हैं वी एस सप्लाईज, ये नहीं है, ये इसी बायोस है, ओके ये नहीं है। ढूंढते हैं ये LCD VDD है, ठीक है ढूंढते हैं। और कुछ है, ये फैन का पावर है, 5 वोल्ट का कन्वर्शन, छोटा ऐसा MOSFET से भी ट्रांसफ़र होने को देखा गया है ASUS के बोर्ड में, तो वो भी देखना है। ये BIOS है, ये हमारा पावर के लिए लगा है, दोनों सिंगल MOSFET रहेगा, ठीक है। ये एक है, ये हो सकता है आपका, ठीक है हो सकता है, मैं 100% नहीं हूँ, हो सकता है, ठीक है। तो इस बोर्ड में थोड़ा सा कम है, ये जो MOSFET दिख रहा है ये भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट ज़्यादातर टाइम दिखने को मिल जाता है। और नया बोर्ड में आपका लोड स्विच लगा होता है, ठीक है 14 पिन का, ओके इसलिए मैंने नहीं चेक किया, बिकॉज़ वो भी बताना ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत लोग सोचेगा भाई ये इस पॉइंट को छोड़ा क्यों। तो अभी हम लोग चेक करेंगे पिन नंबर 75 में पहला स्टेज हमारा रैम का पावर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ये हमारा पहला स्टेज हो गया। तो थोड़ा सा मेरा डिसीजन सही कर लेते हैं, सही हो गया। तो 75 ढूंढना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है बोर्ड व्यू रहता तो फटाफट हो जाता, बट ठीक है चलो हो जाएगा। ये 71, 74, 75 है, ये 75, ठीक है 75 पे हम लोग आ गए, सिंपल फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपको ये दिखाई देना है, करना है, ठीक है ये दिख सकते हो आप थोड़ा सा। अरे यार लाइट भी ख़राब पोजीशन पे जा रहा है, और इसका मुंह किधर गया मेरा, ठीक है मुंह मिल गया, ठीक है अभी दिख रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है तो इसे ऑन करते हैं, ठीक है ऑन किधर से करूँ, ग्राउंड तो मैंने गायब कर दिया, ठीक है ये ऑन किया, इधर पे तो वोल्टेज ही नहीं आया, क्या हुआ भाई, यही 75 है ना, अरे 75 वोल्टेज नहीं है, 73, 74, 70, मैंने क्या गलत लिख दिया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रुको हाँ 75106 दोनों पिन पे लिखा है, तो स्कीमेटिक एक बार देख लेते हैं, पिन नंबर इतना बड़ा भूल हो गया, ऐसा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, इंसान है भाई, भगवान थोड़ी है। तो मैंने डी सर, हाँ भाई 75 पे है, तो इधर पे तो 75 पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ये तो प्रॉब्लम है ये क्या हो गया भाई, तो मैंने जो बताया वही हो गया क्या, हाँ 75 है भाई 1.05, एक सेकेंड मैं एक बार देख लेता हूँ मैं सही हूँ ना, हाँ भाई सही तो हूँ। तो ये ग्राउंड ख़राब है भाई 100%, इस ग्राउंड पे लगाओ, ठीक है ग्राउंड ख़राब है, बहुत टाइम ग्राउंड ख़राब होता है, ठीक है चलो ऑन करो, ऑन हो गया, इस ग्राउंड में लगा लेता हूँ नंबर 75। हाँ क्या बोला, ग्राउंड ख़राब है, 0.1, 1.5 है, सही है। इसका बात क्या है, हम लोग क्या चेक करेंगे इसके बाद, ठीक है CPU में ये लगा हुआ है हीट सिंक, अरे भाई 1 सेकंड रुक जाओ, CA ना और DQ हमें चेक करना है, DQ है पिन नंबर 1.75, तो ये डॉट दिख रहा है पिन नंबर 1, हाँ पिन नंबर 1 में वोल्टेज नहीं है, अभी ग्राउंड भाई सही है, ठीक है चलो और एक ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है बंद हो गया, नहीं हुआ USB का पॉइंट, पिन नंबर 1 नहीं है इस पॉइंट पे, पिन नंबर 10 है भाई, DQ नहीं है, तो CA है क्या, CA है 126, ये तो ढूंढने में मेरा दिन ख़राब हो जाएगा, 126 कैसे ढूंढे, ये तो बहुत दूर है भाई, छोड़ो भाई एक मिल गया, इधर पे रुक जाओ, चलो स्कीमेटिक पे ले चलता हूँ, अब दिखा देता हूँ क्या स्लॉट पे कैसा दिखने को मिलता है इसका सर्किट होगा। तो पता चल गया इधर पे सिंपल क्या है, हमारा ये मिसिंग है DQ, ठीक है चलो इधर पे चले आते हैं, ये मैं सर्च कर रहा था, ठीक है ज़्यादा ही सिलेक्ट वगैरह हो गया, अभी 1 नंबर पिन ढूंढ लेते, यस ये देखो, देख सकते हो रेफरेंस DQ एंड CA, ठीक है 126 जो ढूंढना नहीं चाहता हूँ, और 1 नंबर पिन मिसिंग। तो इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, और सर्किट मैंने बताया ये जस्ट डबल रजिस्टर होगा सीरीज में, और ये पुल अप होगा 1.5 से, देखो 100% सेम सर्किट, 1.5 से पुल अप, एक एक का रेजिस्टेंस, इधर पे डी रैम का आपका डी क्यू का
इनपुट सेम, ये जो है ये आपका 126 पे जा रहा है, ये आपका एक नंबर पे जा रहा है, ठीक है। इसे अगर आप कॉपी करोगे देखो ये 126 पे जा रहा होगा और सेम होता है, ठीक है। दोनों स्लॉट के लिए सेम ही पावर पैरेलल में लगा होता है, ठीक है, मिल गया, गुड। अभी हमें देखना है हमारा 126 क्या है मालूम नहीं, अभी उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये तो रेजिस्टेंस है। अरे यार बहुत दिक्कत देता है। हाँ तो इसका वैल्यू रेजिस्टेंस क्या है, एक एक के है, ठीक है, R178 R177। हम लोग ये दो रजिस्टर को ढूंढ लेंगे और चेक करेंगे इसका इनपुट वगैरह क्या है, रजिस्टर सही है कि नहीं, और इस लाइन में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं। इस लाइन में शॉर्टिंग भी हो सकता है, देखा है मैंने, इधर पे कैपेसिटर लगा रहता है जो शॉर्टिंग हो जाता है, ठीक है। ये लाइन देखो, ये लाइन को अगर आप ये लाइन को कॉपी करेंगे, ओके देखो कॉपी, इस लाइन पे लगा हुआ कैपेसिटर खराब होता है, ठीक है, मैंने देखा है। ये देखो ये दोनों लाइन, ये दो दो कैपेसिटर पे कनेक्टेड है, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये लाइन ड्रॉप कर जाएगा, ओके गुड एनफ। तो 178 177 हमें ढूंढना है, चलो मदरबोर्ड पे चलते हैं। मदरबोर्ड पे आ गए, पहले हम लोग चेक करेंगे शॉर्टिंग, जो मैंने बताया होता है ऐसा, ठीक है, छोटा लाइन पे भी शॉर्टिंग होता है। पिन नंबर वन शॉर्टिंग है, पिन नंबर वन शॉर्ट है, देखो पिन नंबर वन शॉर्ट है, इधर पे पिन नंबर वन शॉर्ट है, कैसे बनेगा वोल्टेज, ओके चलो अभी इसके बैक साइड में चलते हैं। रजिस्टर वगैरह सभी बैक साइड में लगा होता है, ये सभी इसका रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके लिए, ओके चलो। इधर पे 177 178, 77 एंड 178, इधर पे है 178, ठीक है, इधर पे देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो 177 178, और ये कैपेसिटर लगा गया है, इसमें शॉर्टिंग है दिखा रहा है, तो इधर पे भी चेक कर लेंगे हम लोग, शॉर्टिंग है क्या, ऐसे सुनाई दे रहा है, शॉर्टिंग है तो रेफरेंस के लाइन पे शॉर्टिंग, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले सीपीयू हटाएंगे फिर एक बार रेफरेंस के लाइन को चेक करेंगे, बिकॉज ये भी हो सकता है ये सीपीयू से कोई प्रॉब्लम है, ओके ये भी हो सकता है भाई, हटाओ सीपीयू, बट ये सीपीयू मेरा टेस्टेड ओके था, ठीक है। अभी ये मदरबोर्ड ख़राब कर दिया है तो मुझे मालूम नहीं, तो बिकॉज ये लाइन सीपीयू में तो नहीं जाता है, ये सिर्फ इसमें ही जाता है, ओके शॉर्टिंग अभी तक अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग को हटाने के लिए कैपेसिटर ओपन करेंगे वन बाई वन, दूसरा करेंगे रजिस्टर को चेक कर लेंगे, रजिस्टर सभी सही है कि नहीं, बिकॉज रजिस्टर भी सही है ना, ज़रूरी है। तो सेट कर लेते हैं मेरा पावर हॉट एयर, ओके जल्दी जल्दी अभी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ईजी है ना सॉल्व करना स्टेप बाई स्टेप, बताना आप कमेंट करना, ठीक है, आपको इजी लगा और डिफ़िकल्ट लगा कमेंट करना, कैसे हम लोग फाइंड आउट किया है, कैसे हम लोग ये पोजीशन पे आए, अभी जो काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, बट आपका कैमरा ऊपर रहना ज़रूरी है, ठीक है। चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है, इधर पे ये कैपेसिटर को साइड रखा, एक रजिस्टर को मैं थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगा, बिकॉज रजिस्टर को चेक करना है सही है कि नहीं। इधर पे एक कैपेसिटर है स्लाइड करो, इधर पे एक कैपेसिटर है स्लाइड करो, तीनों कैपेसिटर को मैंने स्लाइड कर दिया, सीपीयू ओपन है, अभी तो शॉर्टिंग का कोई बात ही नहीं होगा, ठीक है। देख सकते हो कैसे किया, क्या किया, एक कैपेसिटर को मैंने साइड रखा, दो कैपेसिटर को नीचे खिसका दिया रजिस्टर के जैसा, ठीक है। अभी पूरा ओपन है लाइन, इस लाइन पे जो कैपेसिटर लगा था उसमें एक ग्राउंड है एक VCC DQ है, ये शॉर्टिंग नहीं बताना चाहिए, हट गया शॉर्टिंग, ठीक है, कोई बीपिंग नहीं है, सुनाई दे रहा है बीपिंग, ये मेरा मल्टीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, आपको दिखेगा जूम आउट, अभी ये देखो नो शॉर्टिंग, अभी दो कैपेसिटर लगा हुआ है उसे चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं, यस शॉर्टिंग शॉर्ट, ये नॉट शॉर्ट, ये नॉट शॉर्ट, राइट, ये नॉट शॉर्ट है ना, और शॉर्ट है नहीं, नॉट शॉर्ट,
इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है, छोटा है कैपेसिटर, नीचे में लगा, एकदम टाइनी, वेरी वेरी छोटा, ठीक है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कैपेसिटर, इडियट कैपेसिटर, ये ख़राब है। अभी देखना है ये दो रजिस्टर का वैल्यू सही है, बिकॉज शॉर्टिंग के वजह से आपका रजिस्टर भी जल सकता है। 1K हुआ तो क्या हुआ, आपका जो पावर है 1.5 वोल्ट पुल अप है वो तो पावरफुल है ना, तो हम लोग सेट करेंगे 2K पे, दोनों रजिस्टर को चेक करेंगे 1K के लिए। 1K परफेक्ट है, देख सकते हो, 1 सेकेंड, फिसल गया मल्टीमीटर। अरे यार, अरे ऑन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे, ये 1K, ये देखो ये नहीं आ रहा है, ये देखो ये जल गया, एक रजिस्टर भी इसका जल गया शॉर्टिंग की वजह से, ठीक है। ये रजिस्टर ख़राब है, शॉर्ट भी है लाइन, दोनों चीज़ एक साथ हुआ है, बिकॉज शॉर्टिंग क्रिएट हुआ उसके वजह से आपका हाई करेंट गया उस रजिस्टर के ऊपर से, वो रजिस्टर जल गया। उसका कोई गलती नहीं है भाई, उसे छोड़ दो, उसे डांट मत लगाओ, ठीक है। चल लाइन को सही कर देते, 100% इसके बाद हमारा मदरबोर्ड ऑन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम हमें एकदम पोटेंशियल फॉल्ट मिल गया। ओके, कैपेसिटर लगा लेते, थोड़ा सा जूम कर लेते जिससे आपको दिखेगा मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइन पे, बिकॉज ये आपको बहुत लोगों का देखने का मन होगा, ठीक है। ये लाइन को मैं फोकस करूँगा, कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है, 1 सेकेंड, ये कैपेसिटर ख़राब है, इसे हटा दो, ये छोटा टाइनी कैपेसिटर किधर हवा में उड़ गया, ठीक है, उसे उड़ने दो, वो उड़ना चाहता है, ठीक है, वो बोर्ड में लगा नहीं रहना चाहता है, उसे पंख दे दो, बहुत छोटा कंपोनेंट है भाई, इतना छोटा है ना, दिख भी नहीं रहा है। मैंने एक्चुअली आज चश्मा पहनना भूल गया, ठीक है, इसकी वजह से इतना दिक्कत हो रहा है। ये रजिस्टर हटा लेते हैं जो ख़राब है, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली यही आपका हाई रजिस्टर है जो पहले कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर से करंट गया है, जितने बार भी मदरबोर्ड ऑन किया गया है चलाने का कोशिश किया गया है। इस जो कैपेसिटर को हमने ओपन किया, इसे ओपन नहीं छोड़ना है, उसे भी रिप्लेस करना है, ठीक है, रैम का लाइन से उठा के रिप्लेस करना है। तो मैं रजिस्टर बुक ले लेता हूँ, ये मेरा रजिस्टर बुक, सैंपल बुक, 1K, ये 1K का रजिस्टर, ठीक है, देख सकते हो 1K, इधर से एक रजिस्टर ले लेता है, ठीक है, दो आ गया भाई, दोनों को चेंज कर देते, ठीक है, एक ओके, चलो जो ख़राब नहीं है उसे चेंज नहीं करूँगा, चलो, क्योंकि इससे ना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई क्यों दिखाया है एक, उसमें कुछ है क्या, ठीक है, ये रजिस्टर में कुछ जादू है। ये देखो इससे ही निकला है, ठीक है, 1K का देख लो, ये 1K वाला स्ट्रिप नहीं है, मिसिंग है, ठीक है, अभी इसमें घुसा देते हैं। अरे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज जो सीख रहे हैं ना उनके पास नॉलेज अभी कम है, ठीक है, ये घुसा दिया, देखो ये 1K का है, ठीक है, उसको कंफ्यूज नहीं करना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा तो मुझे ही बुरा लगेगा। ये रजिस्टर लगा देते और उसके जगह पे एक कैपेसिटर भी हम लोग लगा देंगे स्क्रैप से, ठीक है, ये जो बैक साइड ऑफ रैम सेक्शन है उधर से ही ओपन करेंगे, तो वो 1.5 वोल्ट का ही लाइन का होगा, और नहीं तो आपको स्कीमेटिक देख के लगाना है, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर इधर पर नहीं डाल दो तो आपका फिर से शॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्टिंग दिखा देता हूँ, ठीक है, कैपेसिटर हटाने के बाद, देखो सुन पा रहे हो 100% सुन पा रहे हो, क्यों नहीं पाओगे ये, ठीक है, अभी देखो यही कैपेसिटर के ऊपर जिधर भी मैं चेकिंग कर रहा था, देखो अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है, 480, ठीक है, गुड। अभी मैं एक स्क्रैप ले लेता हूँ, ये स्क्रैप मदरबोर्ड रैम स्लॉट के बैक साइड में चले जाएंगे, देखेंगे इधर पे, देखो ये छोटा टाइनी कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये छोटा टाइनी कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये सभी वही लाइन का कैपेसिटर है, मतलब 1.5 वोल्ट का लाइन का, तो अब इधर से ओपन करके लगा सकते हो, इसमें आपका शॉर्टिंग फिर से कभी नहीं आएगा, ठीक है,
बिकॉज अगर आपने लो वोल्टेज वाला कैपेसिटर उठा के कोई इधर से लगा दिया, ठीक है, 1.5 वोल्ट का लाइन में, तो भी फिर से शॉर्टिंग आएगा, ठीक है, चलेगा आपका 4-5 बैच चलने के बाद फिर से शॉर्टिंग आ जाएगा। तो आई होप आपको केस अच्छा लगा है, ओके। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। और कैसे नोड डिस्प्ले को फाइंड करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाना का बहुत इच्छा था, आप लोगों का भी बहुत डिमांड था, तो आपको ये वीडियो में आपको मिल गया, ठीक है। तो एक कोर नहीं बनेगा उसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दूंगा, और जिसमें DRAM रीसेट भी नहीं बनेगा उसके ऊपर भी डाल दूंगा जब भी मिलेगा, ठीक है। मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। इस बोर्ड ने, कस्टमर ने टाइम दिया है, बिकॉज इधर पे मैंने बोला दुर्गा पूजा का सीज़न है, इसलिए बहुत लोगों का अभी इस सबसे मन उठ चुका है, अभी घूमने का मन है, शॉपिंग करने का मन है, तो कस्टमर ने बोला हाँ हाँ 2-4 दिन ले लो ना, कर दो, हो जाएगा, ठीक है, तो वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। बिकॉज बहुत अच्छा अच्छा केस करता हूँ रिपेयर डेली बेसिस पे, बट आपको दिखाना बहुत चाहता हूँ मैं आपको दिखाना, बट टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज कस्टमर बोलते हैं सुबह को डीलर ने दिया शाम को चाहिए, तो उसमें वीडियो बनाना दिक्कत हो जाता है ना भाई। और ये कॉम्प्लेन खा के बैठा है ये कैपेसिटी, ठीक है, निकलने का नाम ही नहीं है, क्यों भाई, क्या हुआ, क्या हुई ये, क्या हुई सिचुएशन हो गया, क्यों, क्या हुई, अरे भाई निकल जा, निकल जा, और डिस्प्ले भी दे दे तो हमारा व्यूअर ऑल खुश, राइट। अरे भाई ये कैपेसिटर ही नहीं ओपन हो रहा है, ये बॉर्नविटा खा के आया है रे। मेरा सोल्डरिंग आयरन थोड़ा सा हीटअप करके टचअप कर लेता हूँ, ठीक है, अभी निकल जाएगा। इतना गुस्सा दिला देता है ये सब, देखो कितना टाइम ले रहा है भाई कैपेसिटर ओपन करने में ये। चलो हो गया, ओके, बहुत दिक्कत भरा काम, इसे हटाओ, इसे लगाओ, ठीक है, फिर से उड़ ना जाए ये, क्या पता इसका भी मन नहीं है बोर्ड में लगने का। मैंने सोचा नहीं था इसका रजिस्टर, मैंने सोचा था इसका मोस्ट प्रोबेबली जब देखा वोल्टेज नहीं बन रहा है, मैंने सोचा इसका रजिस्टर वगैरह फूका होगा, ख़राब हुआ होगा, रस्टिंग वगैरह मिलेगा, बट इस लाइन में कैपेसिटर ही शॉर्ट होके बैठा है, और कैपेसिटर भी फ्रेश है, ऐसा दिखने में भी ख़राब नहीं है। चलो हो गया, ठीक है, वहाँ पर बहुत टाइम लग गया, चलो थोड़ा सा ठंडा होने देते, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। चेक कर लेते हैं फॉर शॉर्टिंग, कैपेसिटर के ऊपर ही चेक करते हैं, नहीं है, ठीक है, क्लीन करते हैं एरिया को, फिर से शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अभी हम लोग देखेंगे हमारा इधर पे वोल्टेज बना DQ पे, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, डिस्प्ले आएगा, बोर्ड ऑन होगा, वो सब बाद में, सब कुछ बाद में, ठीक है। ऑन कर दिया, CPU नहीं लगाया, बहुत अच्छा, CPU के बिना ही हम लोग मदरबोर्ड में डिस्प्ले ले आएंगे, ऐसा ही तो हमें ये चाहिए ना। चलो ठीक है, CPU कनेक्टेड, हीट सिंक लगा देते हैं, एक ये लगा देते हैं, बोर्ड सही पोजीशन पे है, अभी इसे वोल्टेज रेंज पे सेट कर देते हैं, ओके, दिख रहा है मल्टीमीटर, चलो ग्राउंड और मदरबोर्ड को ऑन करते हैं, पहले ऑन किया,
करंट सेम ही है बिकॉज रैम नहीं है राइट नाउ. ये मैंने ग्राउंड इधर से ग्राउंड ले लिया और वन नंबर भी ओके 0.78 बन चुका है. ये हमारा DQ का डेटा, सॉरी वोल्टेज. DQ का वोल्टेज और CA का वोल्टेज जब बनेगा तब वो रैम के साथ कम्युनिकेट करके हमारा CPU डिस्प्ले ले आएगा हमारे लिए. ठीक है, ढूंढ ढूंढ के डिस्प्ले आएगा भाई, डिस्प्ले ले आओ. ये रैम मैंने लगा दिया, ये मेरा डिस्प्ले देखने वाला पेन ड्राइव. कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड. थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसे बिकॉज ये थोड़ा सा हो गया. अभी आपके साथ था पावर देना है बिकॉज आपको स्टेटस दिखाना है. ठीक है, देख सकते हो 31 भी उठा रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा उठा रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बोलने पे ही कम हो गया. ठीक है, तो ये आपका डिस्प्ले, मेरा पेन ड्राइव. ठीक है, इधर से आपको डिस्प्ले दिखेगा. मैं उल्टा नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये आपका हीटसिंक गिर जाएगा. तो ये ऑन, देखो अच्छा खासा करंट वेरिएशन हो रहा है डिस्प्ले. ओके, डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले. ओके, ये 1 एम्पियर चला गया. देखो 6 बंद हुआ बिकॉज रिसेट होगा मोस्ट प्रोबेबली. नहीं हुआ, क्या हुआ भाई, CPU ज़्यादा हिट कर गया. हाँ, CPU ज़्यादा हिट कर गया. अरे यार इतना जल्दी. देखो ये करंट अच्छा खासा वेरिएशन है और इधर पे डिस्प्ले प्रॉपरली मेंट ये है. ठीक है, ये करंट ज़्यादा खींच रहा है, CPU अच्छा खासा हीट अप करके बंद हो रहा है. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ. ठीक है, मेरे पास एक कॉपर का प्लेट है, थोड़ा सा मैं अच्छा वाला पेस्ट ले लेता हूँ बिकॉज ये इसमें ही लगा हुआ था. 1 सेकेंड रुक जाए, एक हाथ से काम. अरे यार ये टाइट हो गया, 1 सेकेंड रुक जाओ, इसे खोल लेते भाई. ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है. ठीक है, ओपन हो गया, इसे लगाओ, अच्छा खासा ये लगा दो. अभी डिस्प्ले थोड़ा रुक जाएगा. ठीक है, देखो 600 700 800 यह डिस्प्ले आपका बन चुका है. ठीक है, CPU भी हीट अप ज़्यादा नहीं कर रहा है. ठीक है, ये देखो बोर्ड अभी तक ऑन है, ऐसा नहीं है बोर्ड बंद हो रहा है. ठीक है, वो हीटिंग के वजह से बंद हो रहा है. ठीक है, देखो ये डिस्प्ले दिख रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर मेंशन. ओके, परफेक्ट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. हो गया आपका नो डिस्प्ले सॉल्व. ठीक है, तो ऐसे ही करना है. देखा कितना ईजी है, मैंने कितना स्टेप बाई स्टेप आपको सिखाया. देखो ये आपका कैपेसिटर में शॉर्टिंग था. ठीक है, जो मैंने दिखाया था. ठीक है, कितना ईजी था, ईजी था ना, डिफ़िकल्ट तो नहीं था, लंबा था. प्रोसेस ऐसा ही है. PLDT सेल में बहुत लोग घबरा जाएंगे, भाई 2.6 आ रहा है, चलो उसे 2.6 लगाने में बनाने में लग जाओ. नहीं है भाई, वैसा ही है. ठीक है, अभी भी वैसा ही है, उस पर ही डिस्प्ले आ रहा है. मैंने उस पर काम किया. काम किधर पे किया, जिधर पे प्रॉब्लम मिला. ठीक है, सही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो. और सबसे ज़रूरी बात, आप थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना जब मेरे वीडियो मैं नहीं दे पाऊँगा दुर्गा पूजा और एक वैकेशन के लिए, बिकॉज बहुत दिनों से पूरा लगातार काम कर रहा हूँ, बहुत ही मतलब माइंड जाम हो चुका है. ठीक है, तो इसलिए चाहता हूँ थोड़ा सा ये सब से छुट्टी लेके थोड़ा बाहर घूमाऊँ. ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश से कोई देख रहा है तो ज़रूर कमेंट करना. ठीक है, तो आपसे भी बात करेंगे. ठीक है, आपके एरिया पे जा रहे हैं तो बताएंगे क्या पोजीशन, क्या उधर पे अभी स्थिति है, वो भी देखना है. और इंडियन रेलवे अभी तो बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, वो भी मन में बहुत ही डर है, बट घूमने का बहुत इच्छा है, इसलिए फैमिली के साथ ही जा रहा हूँ. ठीक है, 5-7-10 दिन में आ जाऊँगा. ठीक है, तो थोड़ा सा अभी वीडियो भी कम आएगा और मैं भी कम रहूँगा, बट ट्राई करूँगा जब भी टाइम मिले आप लोगों के साथ टेलीग्राम में इंटरेक्शन करना, और आप लोगों का जो भी ग्रुप में मैसेज वगैरह आता है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करूँगा, बिकॉज इस टाइम पे वो करना थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, जब टूर पे रहूँगा, जब घूमने जाऊँगा उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, तो ट्राई करूँगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. सभी को प्यार के लिए आपको दिल से धन्यवाद. और आई थिंक आपको ये केस आपको अच्छा लगा है, आपको ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे किसी ने भी नहीं बताया कैसे आपको नो डिस्प्ले का केस को सॉल्व करना होता है, ये आपको दिख गया. ठीक है, तो आपको भी ऐसा स्टेप बाय स्टेप काम करना है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर मेरे से बात करो, टेलीग्राम करो, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा. ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय.